आए दिन खुद को पुलिसकर्मी बताकर रौब झाड़ने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी पुलिस द्वारा कई युवकों को वर्दी और हथियारों के साथ पकड़ा जा चुका है। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में, जहां गाड़ी में सवार एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने हुए खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था, लेकिन असली पुलिस को चकमा देना इतना भी आसान नहीं है। पुलिस को शक होने पर उसे गिरफ्तार कर विजयनगर थाना की पुलिस के हवाले कर दिया। रात्रि में एक व्यक्ति को पकड़ा है, संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, जो कि बचने की कोशिश कर रहा था ट्रैफिक पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस को शंका ही, उनके द्वारा तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। हिरासत लेकर उसको विजयनगर के को सुपुर्द कर दिया गया। इसमें व्यक्ति ऊपर अंगोला शर्ट पहने हुआ था जिसमें स्टार लगा हुआ था और साइड में मोनो भी लगा हुआ था पुलिस का, और इसमें नीचे वो सिविल का पैंट पहने हुआ था। और पूछने पर वो उसने अपने आप को मंदसौर का रहना बताया है। फिलहाल आरोपी से संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और वो कहीं किसी अपराध करने के इरादे से इस वर्दी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। इस संबंध में आसपास भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, कहीं किसने कोई घटना तो नहीं की है, उसके बाद भयमय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, किसी थाना प्रभारी का ड्राइवर बताया जा रहा है और टोल टैक्स इस तरह से बचाने के लिए संभावना है कि जैसा कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, टोल टैक्स को बचाने के लिए इस तरह ऊपर अंगूला पहनकर वर्दी का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल अभी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल युवक मूल रूप से मंदसौर जिले का रहने वाला है, उसका नाम है अंकित, और उसने पुलिस की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें दो स्टार और पुलिस का मोनो भी लगा हुआ था, लेकिन नीचे पैंट दूसरे कलर की पहनी हुई थी, जिस कारण से यातायात विभाग के पुलिसकर्मी को शक हुआ और उन्होंने तत्काल प्रभाव से युवक से पूछताछ की और युवक को पकड़कर विजयनगर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस उसे तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। युवक का कहना है कि उसे टोल टैक्स बचाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया था और इस संदिग्ध युवक को किसी थाना प्रभारी का निजी ड्राइवर भी बताया जा रहा है। क्या ये युवक पुलिस के नाम पर कोई अपराध तो नहीं करने जा रहा था या फिर सचमुच ही टोल टैक्स बचाने के लिए उसने ऐसा किया? फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें TV9 MP छत्तीसगढ़।